आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ई पावर cos x cos x sin x dx, हम इस इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम पहले ई पावर cos x को सम y कह सकते हैं, इसको y एज्यूम करते हैं। यहाँ से ये क्या होगा, ई पावर cos x इंटू माइनस sin x dx इज इक्वल टू dy होगा। अब यहाँ से ई पावर cos x sin x dx का वैल्यू क्या होगा, dy हो माइनस dy होगा। और यहाँ से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो से y का वैल्यू क्या होगा, e होगा। और x इक्वल टू टू पाई से y का वैल्यू क्या है, 1 है। और अब हम इंटीग्रल लिमिट्स क्या होगा, e टू 1 होगा। e पावर cos x sin x dx का वैल्यू क्या है, माइनस dy है। और यह cos x और माइनस dy है। और यह cos x हमें यहां से क्या होगा, cos x इज इक्वल टू log y बेस e है। और ये क्या होगा, इंटीग्रल e टू 1 माइनस log y बेस e dy होगा। और इसको हमें 1 टू e log y बेस e dy लिख सकते हैं। और यहाँ से ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू y log y माइनस y लिमिट्स 1 टू e है। और यहाँ से ये क्या होगा, e log e माइनस log 1 0 है और माइनस ऑफ e माइनस 1 होगा। यहाँ log e वैल्यू 1 होगा, इज इक्वल्स टू e माइनस e प्लस 1, ये वैल्यू क्या है, 1। और इसलिए इसका वैल्यू होगा 1, ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।